हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार LLB में आप सभी का स्वागत है। आज जो का जो विषय है आपका, भारत का संविधान हमें जानना है, यानी भारत के संविधान का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है, और भारत के संविधान की विशेषता क्या है। क्योंकि कल मैंने कुछ संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय बताया था, और आज जो है संविधान का अर्थ और संविधान की विशेषता क्या होता है उसके बारे में बताना है। चलिए बोर्ड की तरफ हम देखते हैं कि भारत का संविधान का अर्थ क्या होता है। यानी संविधान का जब संधि विच्छेद करते हैं तो आता है समधन विधान, यानी एक समान विधि। यानी विधि तब होता क्या है, यानी ये संवैधानिक शब्दों में दिया गया है, समधन विधान, यानी सबके लिए एक समान विधि होती है। तो विधि जो होती है नियमों का एक संग्रह होता है जो सभी पे जो है समान रूप से अप्लाई करता है। कोई भी कानून जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, वो सबको एक समान इक्वल ट्रीटमेंट करता है, यानी ट्रीट सबके साथ एक समान ट्रीट वो व्यवहार करता है। यानी आप जानेंगे आज जो है भारत का संविधान क्या है, यानी संविधान का क्या अर्थ है। तो आप लोग जो भी लोग हैं, आप चाहें तो इसका बाद में शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे बोलने के साथ साथ आप जो है लिख सकते हैं। यानी आपको यह जानना है भारत का संविधान है क्या, तो उसको क्या बोला जाता है, रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसको जानिए। ऐसे यानी भारतीय संविधान देश का ऐसा अमूल्य कोष एवं ऐसा उत्कृष्टम दस्तावेज जो है जो राज्य अवलिक सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करता है, और उनकी स्थिति एवं शक्तियों को भी स्पष्ट करता है कि उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या दायित्व होंगे और उनकी क्या शक्तियाँ होंगी। यानी जो भी राज्य के जो अंग है, यानी सरकार की जो भी पिलर हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे और उनकी क्या शक्तियाँ होंगी, ये आपके भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कोई भी सरकार जो है काम करती है, यानी कोई भी सरकार जो है संविधान की जो बातें उसमें बताई गई हैं उनकी अवहेलना करके कोई भी वो कार्य सरकार जो है नहीं कर सकती। यहाँ तक वो कानून भी नहीं बना सकती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, या ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करेंगे जिससे लोगों के अधिकारों का या संविधान में दी गई बातों का उल्लंघन करें। अब हम जानते हैं कि संविधान की, कल का तो बता दिया, संविधान की पहले नंबर पर हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। यानी जैसा कि मैंने कल यानी पूर्व के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं विशालतम संविधान है। वही विशेषता है, यानी भारत का संविधान जो है इसमें जो है भारतीय संविधान के संबंध में आपकी जो विशेषता है 13 बिंदु को बताया गया है, यानी 13 तत्वों को बताया गया है। यानी कि भारतीय संविधान जो है, यानी भारतीय संविधान की 13 विशेषताएँ हैं। क्या क्या विशेषताएँ हैं कि भारत का जो संविधान जो है यह विशालतम संविधान है एवं विस्तृत संविधान है, यानी विश्व का यह सबसे बड़ा और विशालतम संविधान है। इसमें पहले से ही बताया है, इसमें अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में, और इसको 22 भागों में डिवाइड किया गया है, और पहले जो पूर्व में 8 अनुसूचियाँ थी वर्तमान में जो है आपका जो है 12 अनुसूचियाँ होंगी है, जो 22 भाग थे आज वो 25 भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं, और वर्तमान में जो अनुच्छेद है 465 के करीब में लगभग है, और नए एडिशन के जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखना होगा कि क्या होगा। नए एडिशन की किताब में अभी दिया नहीं गया है, मैंने देखा भी है। यानी भारत का पहला, यानी भारतीय संविधान की पहली विशेषता आपको जानना है, यह विश्व का सबसे बड़ा और विशालतम संविधान है, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा विशालतम संविधान माना गया है। दूसरी चीज़ यह क्या कहता है, यानी संसदीय शासन प्रणाली को इसमें स्वीकार किया गया है। यानी भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ है जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो देश का सांसद ही हो, या जो भी व्यक्ति होंगे, हमारे यहाँ जो है संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया, यानी हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है उसके बारे में ये बताया गया है। और क्या बताया गया है, हमारे यहाँ जो संविधान है भारतीय संविधान की ये भी विशेषता है, ये हमारे यहाँ नम्यता, न ही हमारा संविधान जो है ज़्यादा कठोर है
और न ही ज़्यादा लीला है, इन दोनों का ये मिश्रण दिया गया हो। कब भारतीय संविधान जो है कठोर होता है, जब कोई विधेयक जो होता है, जब कोई विधेयक होता है जो दो तिहाई बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन के द्वारा कोई बिल जब पास किया जाता है, अन्य यानी साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत की भी जब आवश्यकता होती है, यानी राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है, उस स्थिति में आपका भारतीय संविधान जो है कठोर हो जाता है। लचीला कब होता है, तो जब कोई विधेयक है यानी दो तिहाई यानी सामान्य यानी दो तिहाई स्थिति में पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका भारतीय संविधान जो है लचीला हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता यानी दोनों का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। यानी चौथा दिया गया है, सीक्वेंस में देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा एवं विशालतम संविधान है, और दूसरे नंबर पर दिया गया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना के संबंध में दिया गया है, जो कि इसे दूसरे नंबर पर लिखना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसे लिख दिया गया है। बस इसके बारे में आप जानने का, आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें आप स्वयं सीक्वेंस बना लीजिएगा आप लोग। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, समाजवादी का क्या मतलब होता है, और गणराज्य की क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले यह हमें जानना है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है किसी बाहरी देश का हमारे देश पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी हमारे संविधान यानी हमारे भारत शासन में किसी बाहरी देश का, यानी हम हमारी जो सरकार है स्वयं अपना निर्णय लें, यानी किसी बाहरी देश का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसे ही प्रभुत्व संपन्न बोला जाता है। हमारे यहाँ यह भी जानना होगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र के साथ साथ, हमारे यहाँ लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को भी स्वीकार किया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग जो हैं लोकतंत्र भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, और गणतंत्र यानी संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। यानी लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो भी हमारा प्रधानमंत्री होगा, यानी जिनका भी जो भी सदस्य चुनाव में आते हैं अपनी भागीदारी निभाते हैं, जो प्रतिनिधि होंगे उनका जो है हम इलेक्शन कराते हैं, यानी उनका हम जो है चुनाव कराते हैं जिससे वो निर्वाचित होता है, उसके बारे में ये बताएं। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जो मेरे राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, गणतंत्र का मतलब संविधान लागू होने के पश्चात, यानी हमारे यानी राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो भारत का जो राष्ट्रपति का पद जो होगा वो पद जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए, उसका आशय बस इसी से बताया गया है। यानी वो पद उत्तराधिकार यानी वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी हमारा राष्ट्र का जो भी प्रमुख होगा वो गणतंत्र को डिनोट करता है। और क्या जानना है, मौलिक अधिकार क्या होता है हमारे संविधान में, यानी मूल अधिकार कह लीजिए या मौलिक अधिकार की बताई गई हैं, जो ये भी एक भारतीय संविधान की एक अपनी विशेषता है। और क्या है, यानी इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में, यानी 12 से लेके 35 तक में आपका मूल अधिकार दिया गया है, इसी के अंतर्गत यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है कि जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, अगर ऐसी कोई विधि बनाता है अगर राज्य जो है, तो उस स्थिति में ऐसी विधि जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट दाखिल कर सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दाखिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है अपने न्यायिक पुनर्विलोकन यानी अनुच्छेद 13 की शक्तियों का प्रयोग करते हैं हुए जो विधि नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती हो या उसे शून्य करती हो, ऐसी स्थिति में उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा, यानी न्यायालय अपने रिव्यू शक्ति का प्रयोग करके ऐसी विधि को अल्पीकृत कर देगा यानी शून्य घोषित कर देगा जहां तक वो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। दूसरी चीज़, हमारे भारतीय संविधान में यह बताया गया है, हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को भी स्वीकार किया गया है, यह भी हमारी भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता है। ये राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है, ये पहले क्या था कि मूल अधिकार और राज्य का नीति निदेशक तत्व ये दोनों मिला के पहले जो है इनको एक साथ मूल अधिकार बोला जाता था, लेकिन बाद में इसे जो है मूल अधिकार से निकाल के इसे अलग एक सेपरेट जो है एक बिंदु के रूप में रख दिया गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। यानी कोई भी सरकारें जो होती हैं ये राज्य का एक निधि यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए
एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य जो है किन क्षेत्रों में काम करेगा, कैसी योजनाएं बनाएंगे, कैसे, उसी के बारे में एक तरीके का ये डायरेक्शन देता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास अनुभव नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो, और राज्य का यानी प्रमुख बनाया जाता है, तो उसे पहले किन क्षेत्रों में कार्य करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है एक थोड़ी सी गाइडलाइन देता है कि आपको किन क्षेत्रों में आपको कार्य करना चाहिए। यानी लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, यानी राजनीतिक, यानी हर प्रकार के उनका, ताकि आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, यानी हर तरफ से उसका जब विकास हो, संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास करने के लिए, यानी कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। मूल अधिकार की खास बात यह होती है कि जब भी अगर कोई मूल अधिकार का यानी उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में उन मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराया जा सकता है, जबकि यह जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है इसका विधि द्वारा प्रवर्तन यानी संविधान के द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। पहले इसीलिए इसको मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन इसे सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि इसे ये मूल अधिकार में अगर हम रखेंगे तो हमारे यहाँ ये सब आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता है, यानी हमारे यहाँ कितनी संसाधन है। अब इसी को मूल अधिकार बना देंगे तो लोग काफ़ी दिक्कतों का यानी सरकार सामना करना पड़ जाएगा सरकार को। अभी जब वो स्थिति आएगी, जब सरकार, जब हमारा यानी हमारा देश जब विकसित होने लगेगा, जैसे कनाडा वगैरह पश्चिमी देशों में क्या है, वहाँ पर आप देखेंगे यानी आयरलैंड वगैरह के संविधान से जिसको लिया गया, वहाँ देखेंगे पश्चिमी देशों में तो वहाँ मूल अधिकार तो लागू ही है, वहाँ राज्य का नीति निदेशक तत्व भी लागू है। यानी वो देश जो है आर्थिक रूपों से, हर रूपों से काफ़ी संसाधन से वो काफ़ी पूर्ण हैं, इसीलिए वहाँ राज्य के मूल अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निदेशों का भी प्रवर्तन वहाँ कराया जाता है। और क्या दिया गया है, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष यानी है क्रम में देखिए, यानी पंथ निरपेक्ष को भी स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान में, कि हमारी ये भी एक विशेषता होती है। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष को हमारे यहाँ भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इससे पहले जो है यानी संविधान, यानी इससे पहले पंथ निरपेक्ष से पहले हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना को स्वीकार किया गया है, और इसमें यह बताया था कि राज्य जो है न ही किसी धर्म को ज़्यादा हतोत्साहित करेगा, न ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, यानी सभी धर्मों को, सर्व धर्मों के साथ राज्य जो है एक समान व्यवहार करेगा और सबका एक साथ उत्थान करेगा, ताकि हर देश जो है इस भारत, जो भी धर्म के लोग भारत में निवास कर, मतलब यहाँ निवास कर रहे हैं, उनको हर तरफ से उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। ये चीज़ें हमारी संविधान की ये विशेषता के अंतर्गत ये भी बताई गई है, यानी वो धर्म निरपेक्ष। यानी बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है जो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया, तो हमारे यहाँ बाद में ये हुआ धर्म निरपेक्ष न के जगह प्रयोग करके वहाँ पंथ निरपेक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया। पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत ये होता है जो भी धर्म हैं उनके अंदर भी शाखाएँ होती हैं, तो यानी उनको जो है उनको धार्मिक चीज़ों के मामले में वहाँ तक भी उनको आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो कि हिंदू धर्म में ही कई क्लासिफिकेशन किए गए, कई वर्ग बनाए गए हैं, ताकि उनको भी ये लगे कि पंथ निरपेक्ष मतलब शाखाओं के अंदर भी उनको अपने धर्म को मानने की भी आज़ादी होगी और उसको प्रमोट भी वो कर सकते हैं। ऐसी भारतीय संविधान की विशेषता है, वो भी इसके अंतर्गत बनाया गया है। हमारे भारतीय संविधान में एक और विशेषता है, हमारे यहाँ जो भी यानी वयस्क मताधिकार, यानी जो भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष की आयु जो है पूरा कर चुका है उसको मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन ये भी देखिएगा, यहाँ वयस्क मताधिकार शब्द के जब आप की बुक पढ़ेंगे अब आता है सर्व वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वभौम वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग का मतलब ये हुआ, यानी 326 जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो संसद का चुनाव हो या राज्य के विधानसभा का चुनाव हो या नगर पालिका का, यानी कहीं का भी अगर चुनाव होता है निर्वाचन से संबंधित, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है उसको मत देने का अधिकार होता है। यानी ये वयस्क मताधिकार जो है ये आपका पहले संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब ये विधिक अधिकार हो चुका है, आगे डिटेल बताएंगे। और क्योंकि इसको बस विशेषता हमको बतानी है, वयस्क शब्द के जगह अब सर्वभौम वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले क्या था, जब देश आज़ादी होने 1951 वगैरह का चुनाव था, यानी उससे भी पहले जो चुनाव हुआ था, तो पहले सिर्फ
पढ़े लिखे लोगों को ही मत देने का अधिकार हुआ करता था, उससे पहले व्यापारियों को वोट देने का भी अधिकार हुआ कर, यानी जो भी बिजनेसमैन पूंजीपति वर्ग होंगे और जो शिक्षित वर्ग होंगे उन्हीं को ही बस वोट देने का यानी मत देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसमें भी संशोधन करके वहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग कर दिया गया, चाहे साक्षर हो या न हो, चाहे पूंजीपति हो या न हो, यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की अपनी आयु पूरा कर चुका है वो भारत में जो है जहाँ भी यानी संसदीय चुनाव है या राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगरपालिका का हो या जिला पंचायत, जो भी उनके निकायों का चुनाव हो उसमें अपने मत का प्रयोग वो कर सकता है और अपने देश को चलाने में वो अपने मत के माध्यम से अपना भागीदारी भी निभा सकता है। और क्या है, हमारे यहाँ क्या किया गया है, एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका को, एकहरी व्यवस्था को भी स्वीकार किया गया, न्यायपालिका को भी, और हमारे यहाँ एकल नागरिकता भी प्रदान किया जाता है कि हम यही बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ दो नागरिकता प्रदान की जाती है, एक स्टेट की नागरिकता प्रदान की जाती है, एक देश की नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी और क्या है इसमें, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है, यानी सरकार के भले ही ये अंग हैं, यानी तीनों ये पिलर हैं सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भले ही अंग है लेकिन सरकार के यानी न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से सेपरेट रखा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ भले विधायिका और कार्यपालिका, यानी हमारे यहाँ राज्य की अलग है विधायिका और कार्यपालिका, और केंद्र की भी अलग है विधायिका और कार्यपालिका, लेकिन हमारे यहाँ एकहरी न्यायपालिका को स्वीकार किया गया है। जिस तरीके से एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है उसी तरह एकहरी न्यायपालिका को हमारे यहाँ भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। ये सबसे अच्छी, ये बेस्ट विशेषता है। और क्या है, हमें ये भी दिया बताया गया है, नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी भारतीय संविधान में बताया गया है, यानी नागरिक जो है इनको मूल अधिकार अगर दिया गया है तो इनके जो है कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जो भारतीय संविधान में बताया गया है। अगर आप अधिकारों की ही सिर्फ आप मांग करते रहेंगे कि मूल अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे ऐसी स्थिति में, यानी इसके बारे में भी बताया गया। कहीं कहीं कुछ ऐसे देश हैं वहाँ पे जो है मूल अधिकारों का भी यानी सॉरी मूल कर्तव्यों का भी पालन किया जाता है। एक ऐसी समय भी आएगी कि यहाँ पे भी मूल कर्तव्यों का भी पालन कराया जाएगा। तिरंगा फहराने में देखिए आजकल हर लोग जो है अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वो भी इसके अंतर्गत ये भी देखा जाए तो राष्ट्रध्वज का जो सम्मान किया जाता है आज हर लोग धीरे धीरे उसका सम्मान कर रहे हैं। और क्या दिया गया है, यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, यानी अनुच्छेद 13 जब आप पढ़ते हैं तो न्यायालय जो है न्यायालय को अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान किया गया है कि संसद या राज्य का विधानमंडल कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ऐसी स्थिति में अगर उल्लंघन करता है तो न्यायालय जो है अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, और जहाँ तक वो नागरिकों का मूल उल्लंघन का नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा वहाँ तक ऐसी विधि को वो शून्य घोषित कर देगा। लास्ट जो 13वां नंबर का है, केंद्र उन्मुखी संविधान। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि केंद्र यानी सभी यानी सबसे ज़्यादा संविधान में ये दिया गया है केंद्र को सबसे ज़्यादा पावर दिया गया, यानी जो भी शक्ति होगी यानी संप्रभु कौन होते हैं जो स्वयं निर्णय लेते हों, लेकिन निर्णय लेने में यानी देश को जब कोई निर्णय लेना होता तो राज्य निर्णय नहीं लेता है, यानी संप्रभु शक्ति का जो प्रयोग करता है वो करता है केंद्र सरकार, यानी संविधान जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दी हुई है। इसलिए ये कैसे हम जानेंगे कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा पावर मिला हुआ है, तो जो आप अनुसूची आप पढ़ते हैं जिसे 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, एक संघ सूची दिया गया है, एक राज्य सूची दिया गया है, एक समवर्ती सूची दिया गया है। उससे ये होता है कि 97 सूची जो है केंद्र की है और 67 सूची जो बताई गई है 67 ही है मान लेते हैं, तो वहाँ जो है राज्य को ये सूची दी गई है और समवर्ती यानी दोनों यानी 47 दी गई है, यानी राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है कि वो समवर्ती सूची पे जो है अपना विधि बना सकती है। जिनके पास विषय ज़्यादा होंगे जाहिर से बात है उनके पास पावर भी ज़्यादा होंगे और उनके पास केंद्र के पास इनकम ऑफ स्रोत भी ज़्यादा होंगी
और राज्य के पास विषय कम है तो जाहिर सी बात है उनके पास पावर कम होगी। इसीलिए ये भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है, केंद्र को प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी भारत में भारतीय संविधान में केंद्र को प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी ये भारतीय संविधान की ये पूरा ये आपकी जो है एक विशेषता बताया गया है। आगे हम बताएंगे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे, जैसे अनुच्छेद 1 में क्या बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 2 में क्या बातें कही गई हैं, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे छीनी जाती है, कैसे समाप्त होती है, ये सब डिटेल पढ़ेंगे। बस थोड़े थोड़े हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। और ये भी बता दें जाते जाते कि जो भी व्यक्ति जो है, जो भी लड़का IAS का, PCS का, UPSI का, लेखपाल का, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी पढ़ रहा होगा, ये मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आम जनता भी समझे। संविधान को, देश को समझना भी चाहिए, संविधान की विशेषता भी समझना चाहिए, और जो भी विद्यार्थी कंपटीशन अपना दे रहे हैं वो भी इनको अच्छे से पढ़ें, ताकि एक बार वीडियो देखें और अच्छे से आपको समझ में आए और अपने कंपटीशन की तैयारी करें। मैं इसी के साथ आपको शुभकामना देता हूँ, और Ajay Star LLB में मैं आपको नेक्स्ट डे जो है स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।